ग्वालियर के स्थानीय दर्पण मिनी स्टेडियम पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा माताजी सिंधिया हॉकी अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद माताजी सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर दर्पण हॉकी फीडर सेंटर एवं छत्री बाजार हॉकी फीडर सेंटर के मध्य प्रदर्शन मैच खेला गया। मैच में दर्पण के खिलाड़ियों ने शुरू से ही अपनी पकड़ मजबूत रूप से बनाए रखी और मैच के 10वें मिनट में अंकित ने मैदानी गोल कर टीम की बढ़त 1-0 से बढ़ा दी। वहीं मैच के 38वें मिनट में अमन वाल्मीकि ने पेनल्टी कॉर्नर को कोने में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया। तभी मैच की जवाबी कार्रवाई में छत्री बाजार के सोम शर्मा ने मैदानी गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। मैच के 67वें मिनट में आहान शर्मा ने मैदानी गोल कर 3-1 कर दिया, जो कि मैच के अंत तक कायम रहा। मैच के प्रारंभ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष विकास निगम एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर केशव पांडे ने श्रीमंत माताजी सिंधिया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर दर्पण हॉकी फीडर सेंटर के प्रभारी अविनाश पटनाकर, संगीत अध्यक्ष नीरज शर्मा, नरेश डांगरोलिया ने किया। अमन अमन ऐसे ही पास से गोल पड़ते हैं, लड़के नहीं होंगे, ऐसे ही खेलो। फाइव मीटर रहो अभिषेक, मार हिट, मार। आज श्रीमद महाजी सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा महाजी सिंधिया हॉकी अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हॉकी प्रदर्शन मैच का आयोजन किया गया, जिसमें छत्री बाजार हॉकी फीडर सेंटर एवं दर्पण मिनी स्टेडियम फीडर सेंटर के बीच में मैच खेला गया। इस मैच को दर्पण फीडर सेंटर ने 3-1 से जीता है और इस मैच के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र यादव जी, पूर्व बीज विकास निगम के अध्यक्ष और कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी ने की। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और बढ़ाया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष महत्वाकांक्षी योजना है हॉकी फीडर सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश के 35 जिलों में संचालित है और उसी का ये एक सेंटर है दर्पण हॉकी फीडर सेंटर। यहाँ से 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिसमें 5 जिनको मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च अवार्ड विक्रम अवार्ड एवं एकलव्य अवार्ड मिल चुका है। आज सिंधिया परिवार के इस देश के बहुत बड़े योद्धा और माताजी सिंधिया, जिन्होंने हिंदुओं के लिए जो लड़ाई लड़ी और अपना परचम दिल्ली में लहराया, उस जमाने में बड़ा मुश्किल था उन आक्रांताओं से लड़ने का, लेकिन उन्होंने वहाँ दिल्ली में उन सब आक्रांताओं को खदेड़ के वहाँ राज्य स्थापित किया है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए। इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी जो ग्वालियर की माताजी हॉकी एकेडमी है, जो दर्पण कॉलोनी से चलती है, अविनाश भटनागर जी उसके प्रमुख कोच हैं, मेंटर हैं और उन्हीं की मेहनत है। आज बच्चों ने यहाँ उनकी स्मृति में जयंती के अवसर पर ये मैच खेला और उन बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए महेंद्र सिंह जी यादव, जो बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए और बहुत सारे साथी लोग आए और ये आज उनको स्मृति उनकी उसके लिए याद करना, बच्चों को हॉकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता।